आपका नाम? अनिलपुरी महाराज जी। पुजारी जी, इस मंदिर के बारे में थोड़ी प्राचीनता बता दीजिए, मतलब कि विशेषता स्पेशल। भैया वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं आपको दर्शन करने वाला हूँ महादेव के एक ऐसे मंदिर के जो काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी पुराना है। हरिद्वार में इसका नाम है बिल्वकेश्वर महादेव। सो काफ़ी लोग बिल्केश्वर महादेव बोलते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली बोलते हैं बिल्वकेश्वर महादेव। तो जो पड़ता है मनसा देवी का जो रोड वाला मार्ग होता है पैदल वाला, उसके जस्ट बगल में है मेला अस्पताल, हरिद्वार का जो मेला अस्पताल है उसके पास। तो भी चलते वहीं पे, अभी मैं हूँ टिबड़ी के रास्ते पे जो पहाड़ों से निकलता है। चलो भैया सफ़र स्टार्ट करते हैं। और ये आता है सिडकुल एरिया, हरिद्वार का सिडकुल एरिया जो है वही दिल्ली है। दो सिडकुल है, एक पड़ता है रायपुर, क्या नाम है, तोशनाबाई साइड, वही कहता है मैं हरिद्वार में। और ये ऐसा इलाका है ना, यहाँ पे रात को जंगली जानवर घूमते थे, हाथी चीते वगैरह बहुत ज़्यादा, भाई बहुत ज़्यादा इसके एरिया है। और खैर अब तो यहाँ बाउंड्री वगैरह कर दी है, थोड़ा रिस्क कम हो गया, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आ ही जाते हैं। बस आगे भाई वहाँ आगे से मुझे लेफ्ट लेना है, उससे थोड़ा सा आगे जाके है अस्पताल। तो भैया यहाँ से स्टार्ट होगा बिल्केश्वर महादेव का मंदिर, इधर है ठीक। और ये बिल्केश्वर नगर पासी में, इधर निकलना है फटाफट। तो थोड़ा सा ऊपर आते हैं भाई, यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है और पंचमुखी महादेव है, गणेश जी है और बजरंग बली है, मंदिर है ना। तो पहले यहीं पे दर्शन करते हैं। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है बस बिल्केश्वर महादेव के लिए, थोड़ा सा आगे गौरीकुंड और महादेव का मंदिर, तो नहीं पे निकलते फटाफट। पहुँच गया हूँ और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे घर से इतना पास में ही है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, इससे पहले नहीं आया था कभी। मैं मनसा देवी गया हूँ और यहाँ से आगे हल्का थोड़ा सा गया कि मनसा देवी ऐसा निकलता है पैदल मार्ग रोड वाला। तो फटाफट यहाँ तक आ गया हूँ, तो दर्शन करते हैं, फिर थोड़ा इसकी मिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि ये इतना प्रसिद्ध है, इतना फेमस है, और क्या होते ना कि क्या प्राचीनता है इसकी, वो सब आपसे बात करेंगे। पहले दर्शन करते हैं फटाफट। अभी मैं जा रहा हूँ गौरीकुंड देखने, क्योंकि थोड़ा राउंड मार के आऊँगा तब दर्शन करूँगा। और स्पेशल बात यहाँ क्या है ना, बताता हूँ थोड़ा सा बदल करो।
मैं बात करता हूँ इस मंदिर की जो प्राचीनता है और जो इसकी थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी इतिहास, इसको लोग इतना क्यों मानते हैं उसके बारे में। तो उसका मेन रीजन ये है ना कि भाई एक महादेव का ये एक ऐसा मंदिर है जिसके जिसके बारे में स्कंद, मतलब कि स्कंद पुराण है उसके केदारखंड में इसका वर्णन मिलता है आपको। और इसी मंदिर में माता, जो पार्वती माता है, उन्होंने 3000 वर्ष तक तपस्या की थी जिसके फलस्वरूप महादेव ने प्रसन्न होकर उनको एक शाखा के रूप में दर्शन दिए थे। शाखा मतलब एक पेड़ की टेंट जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर दर्शन दिए थे और उनको वरदान दिया था विवाह का। तो तब से इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है ना, कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे एक और भी बोलते हैं जो यहाँ के नीलपुरी, शायद नाम है उनका, तो वो बताते भी इस बारे में कि अगर कोई लड़की जिसका विवाह ना हो रहा हो और अगर वो यहाँ पे 5 रविवार करती है तो भाई प्रसन्नता मिलती है, मतलब कि बोलते कि अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलती है उन्हें। अब एक बार चलते हैं भाई, अब दर्शन करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मेरे वैसे भी ट्रैवलिंग में मेरा 7-8 दिन मेरे और बच्चे हैं, 67 या 68 डे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद केदारनाथ का टूर करेंगे। लेकिन केदारनाथ का टूर होने के बाद मेरी वीडियो कंटिन्यू नहीं आएगी, उसका रीज़न मैं बताऊंगा, थोड़ी एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ में सभी। तो चलो दर्शन करते हैं, बाकी बातें बाद में। अगर किसी को इनका रीज़न पता हो कि ये जो पत्थर का टकरार या पत्थर की जो शाखा है इसको कैसे क्यों खड़ा करते हैं कमेंट में बताना, ठीक है। फाइनली दर्शन मेरे हो गए हैं और आज मैं फर्स्ट टाइम एज अ इंटरव्यू किसी से कुछ मंदिर के बारे में पूछूंगा, तो मेरे साथ है फिलहाल मंदिर के पुजारी जी। आपका नाम? अनिल पुरी महाराज जी। पुजारी जी, इस मंदिर के बारे में थोड़ी प्राचीनता बता दीजिए, मतलब कि विशेषता स्पेशल। यहाँ पे ये गौरी कुंड है जी, है ना, सती माता जब सती हो गई तो इनको दोबारा जन्म मिला हिमाचल में, राजा हिमाचल की पुत्री थी तो इनको बचपन से ही ये शिव की आराधना करती थी, इनको सब याद था कि हम शिव की पत्नी थे, है ना। तो इनको दोबारा पाने के लिए इन्होंने तपस्या शुरू कर दी, पूजा शुरू कर दी कि भोलेनाथ ही मिल जाए, लेकिन उन्होंने कई जगह तपस्या की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब किसी महात्मा ने इनसे कहा कि आप जब तक किसी को गुरु नहीं बनाओगे तब तक लाभ नहीं होगा। तो माता जी ने नारद जी को गुरु बनाया था, तो जब नारद जी को गुरु बनाया तो नारद जी ने कहा कि आप बिल्ल पर्वत पे जाइए, वहाँ तपस्या करिए, तब भोलेनाथ आपको मिलेंगे। तो ये बिल्व पर्वत है, तो ये पूरा पर्वत है बिल्व पर्वत, इसको बोलते हैं बिल्व, बिल्व पर्वत, बिल्व पर्वत। माता जब यहाँ आई थी तब ये कुंड नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल था। तो माता जब यहाँ आई तो ये कुछ था नहीं, तो फिर कहाँ बैठेगी, है ना जी, क्या जल क्या पिएगी जी। तो फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप लोगों को कहने पर हमने भेज दिया है उनको, अब जल नहीं है, पियेंगे क्या, नहाएंगे क्या। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल डाला था यहाँ पे, तो वही कुंड है ये जी, है ना, इसको गौरी कुंड बोलते हैं, इसको गौरी कुंड बोलते हैं। तो यहाँ पे माता फिर स्नान करती थी, तपस्या करती थी शिव जी को पाने के लिए। 1000 वर्ष तपस्या यहाँ की, 3000 वर्ष बिल्कुल सब मंदिर में थी जी। तो यहाँ पे वरदान है, जब यहाँ माता रही तो फिर भोले बाबा ने दर्शन दिए वहाँ पे, हाँ, बिल्केश्वर मंदिर में इनको वरदान दिया कि हम शादी करेंगे। और उनको वरदान ये भी दिया कि माता के संतान नहीं होती है, किसी बच्चा बच्ची की शादी नहीं होती है, शरीर में कोई रोग है या XYZ और कोई मनोकामना है, तो यहाँ 5 रविवार का स्नान होता है, लाभ होता है। तो धन्यवाद, मैंने भी इसके बारे में पूछा, बताया, आप लोगों को भी इस बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 3000 वर्ष वहाँ पे थी और 1000 वर्ष यहाँ पे, ये मेरे को थोड़ा नहीं पता चला अभी, तो इतना तो भाई बहुत है। अभी चलते हैं बिल्केश्वर महादेव के मंदिर पे दर्शन करने फटाफट, फिर वहाँ से दर्शन करते हैं और आय का टूर कंप्लीट करते हैं।
ये जो चार मंदिर थे इनमें सबसे पहला मंदिर आता है नवग्रह का, शनि शुक्र सभी सभी, ठीक है, महादेव, माता रानी, गणपति महाराज, बजरंगबली और ये गणपति महाराज। मैंने दर्शन कर लिए और एक स्पेशल बात यहाँ के बारे में और भी है कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं दर्शन करने के लिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते समापन और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।